महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की बेईमानी का बदला राज्य के इस एक मराठा मर्द ने लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को ठोकर मारकर एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे, अब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने बीते 8 सालों में हुए विकास कामों पर ब्रेक लगा दी थी, जबकि बीते 2.5 साल से विकास काम हुए ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। उद्धव ठाकरे ने बेईमानी की थी, वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जाल में फंस गए थे और उनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लालच में सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लालच में आकर महाराष्ट्र राज्य का सत्यानाश कर दिया था। उद्धव ठाकरे 18 महीने तक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान वो सिर्फ फेसबुक लाइव करते हुए नजर आए। इन 18 महीनों के दरमियान वो मंत्रालय भी नहीं गए। मैं बीते 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। खैर, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 18-18 घंटे राज्य को आगे बढ़ाने और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरडी शहर में एनसीपी का 2 दिवसीय पार्टी शिविर चल रहा है, जिसमें राज्य के सभी आला नेता पहुंचे हुए हैं। इसी कार्यक्रम से एनसीपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार के पास जब तक 145 विधायक के समर्थन का आंकड़ा है, तब तक ये सरकार काम करती रहेगी, लेकिन अगर इनमें से एक भी विधायक फूटा तो ये सरकार गिर जाएगी।